आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्रि स्पेशल खीर, कैरमल ड्राई फ्रूट्स खीर। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो स्टार्ट करते हैं। एक पतीला ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे चीनी। चीनी स्लो आंच पे हम मेल्ट होने देंगे और इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे कि ये डार्क कलर ना हो जाए। तो इसे स्लो आंच पे ही हमें पकाना है। और ये गोल्डन कलर हो गया है, अब इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें ऐड करना है। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें स्लो आंच पे पकने देंगे। अब साइड में एक पैन ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे घी और ये ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो मैंने मखाना रोस्ट कर रही हूँ और साथ में हमें खीर को भी चेक करते रहना है कि कहीं ये जल ना जाए नीचे से। और ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। इसे ठंडा होने देंगे। अब साइड में फिर से हम पैन में घी डालेंगे और ये बादाम और काजू, इन सब इन दोनों को भी अच्छे से रोस्ट होने देंगे। और ये हम मखाना को पीस लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, हल्का दरदरा तक रखना है इसे। और ये हम काजू बादाम को भी ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसे भी हल्का दरदरा ही रखना है, जिससे खीर का टेक्सचर थोड़ा सा अच्छा आएगा और ज़्यादा पतला नहीं दिखेगा, खीर मोटा दिखेगा। और इसमें ऐड कर लेंगे इलायची। अब इन तीनों को पीस लेंगे। ये रेडी हो गया है। अब हम इस खीर में ऐड कर लेंगे इन सभी को। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। मैंने टोटल 4 पैकेट डाला है। इन इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। खीर हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे और उसके बाद इसे बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे हम सर्व करेंगे। थोड़े से ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और ये हमारा कैरमल ड्राई फ्रूट्स खीर बन के रेडी हो गया है।